थोड़ी सी चेयर पे बैठे हैं, छोटे से सामने क्या क्या रखा है, मतलब मैं थोड़ा सा लग रहा था मुझे सर सॉरी उस चीज के लिए, लेकिन सच को तो काफी सारे लोग सोच मतलब बहुत सारे लोगों को पता है, अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करो तो काफी सारे लोगों को पता है कि मेकअप की आज जो ये फील्ड है ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है और मेकअप में लोग बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। सो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि सबसे पहले कोई भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो आपके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो सोनिया जी ने ऑर्गेनाइज किया है ये शो काफ़ी काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरफ से सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करूँ। होप सो यहाँ के लोग बहुत खुश हुए होंगे जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली एंड सब लोगों को बहुत बारीकी से हमने मेकअप की जो एक एक चीज एक एक बात जो बहुत अच्छे से हमने सबको समझाई है। कविता जी अभी आप कितने मेकअप स्टारों का कर चुके हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं तो वो आई थिंक मैंने गिनती भी नहीं की है अब तक उसके बारे में, बहुत सारे लोगों का। कितना टाइम लगा आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपकी लाइफ में? मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज्यादा, मेरे लिए सबसे मेन सपोर्ट जो है मेरी बेटी है। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं अगर यहाँ तक आई हूँ तो उसके पीछे सोशल मीडिया का हाथ है और मेरा हार्डवर्क तो है ही। और अगर मैं यहाँ तक आने की बात करूँ तो मुझे 4 साल हुए हैं। तो लॉकडाउन में मेकअप में जितना ज्यादा डाउन गया है लेवल, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो अब एक लेवल पर पहुंचाए 2 साल में? मैं सच को तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन सबसे ज्यादा मुझे ऊपर लेके आया है कि लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे थे और मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट क्या मतलब काम दिखा सकूं। तो रील से आप बेसिकली फेमस हो ऐसा आप मानते हो? रील हो गया या इंस्टाग्राम पे लाइव आके लोगों को मेकअप एजुकेशन देना वो हो गया, उसने मुझे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है लोगों की नजरों में। सो काफी लोगों की नजरों में शायद कोविड बहुत लोग उस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे, बट मैं बोलूंगी कि मेरे लिए वो सबसे बेस्ट टाइम कविता थी। मैम मेकअप आर्टिस्ट फील्ड ही आपने क्यों चूज की? सॉरी व्हाई यू चूज मेकअप आर्टिस्ट एज अ फील्ड एक्सपर्ट? ओके, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सिंगल मदर हूं, ठीक है, तो मैं हमेशा सपोर्ट करती हूं कि सिंगल मदर जितनी भी है प्लीज डिप्रेशन में कभी मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, बिकॉज सिंगल मदर कभी अकेले हो ही नहीं सकती, उनके बच्चे उनके साथ में है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके बच्चे हैं। और रही बात इस फील्ड को सिलेक्ट करने की, तो इस फील्ड को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये था कि मेरे पास मुझे आर्ट लेवल में कुछ जाना था और मेरे को सच में खुद को मेकअप करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में ही। क्या मैसेज देना चाहते हो आप इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो, एज अ वुमन आप क्या मैसेज देना चाहते हो लेडीज को? मैं हर एक वुमन को यही बोलूंगी कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इस फील्ड में ऐसा कोई भी नहीं है कि प्रैक्टिस के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता, आप सिर्फ अपना काम करते जाइए आपको उसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मैं निशा पढ़ारिया फ्रॉम मुंबई और मैं यहाँ दिल्ली में आ रही हूँ और हमने यहाँ पे एक अच्छा सा मास्टर क्लास सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है सोनिया वर्मा ने यहाँ पे और वो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे रहा है सीरियसली। और उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, जो मतलब उनको ने क्राउड जमा किया, मतलब जो भी है बहुत अच्छा। और हमारी आर्टिस्ट कविता पटेल आई है यहाँ पे जो मेकअप के टेक्निक्स और सब सिखाने आए हैं हमारे अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए, मतलब जो भी है एक अच्छी टेक्निक सिखाने आए हैं। और हमें हम यहाँ पे फ्रेंड्स को लेकर आए हैं, यूरोप गर्ल को लेकर आए हैं। यहाँ जी ये सेमिनार मुंबई से दिल्ली में ही क्यों आपने ऑर्गेनाइज कराने का सोचा? मैंने दिल्ली में इसलिए ऑर्गेनाइज कराना चाहिए कि हमें मुंबई से, हमारे मुंबई में जो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं हमारी ब्यूटी, स्पेशली हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को, अब मैं चाहती हूँ कि हम सब जगह पे, दिल्ली और बाकी सारे जगह पे हम लोग हमारे एजुकेशन हम वहाँ पे आए उनको दे और काफ़ी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर जाए। इसलिए हमने अभी मैंने सोनिया के साथ मिलके हम लोगों ने कि हमने सोचा कि चलो टर्न बाय टर्न हम ये एजुकेशन बांटेंगे, इसलिए हमने मुंबई से यहाँ पे। तो सोनिया वर्मा ही इवेंट ऑर्गेनाइजर क्यों? आपने अभी स्टेज पर बोला था मैंने उसे बहुत पुश किया बच्चे की तरह, क्या आपने उनमें खासियत देखी? मैंने उसमें वो खासियत देखी कि उस बच्ची को मैं एक ही बार मिली थी सोनिया को और मैंने देखा था वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सेंसिटिव, मतलब जो काम मुझे करवाना है, जो काम मुझे करना है उसमें वो ही साथ दे सकती थी, भले वो मुझे मतलब नहीं दी थी मेरे से नहीं होगा लेकिन मुझे पता था कि वो कर पाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस था और मतलब मुझ में पता नहीं एक ब्लेसिंग है कि क्या है कि मैं
अपने सामने वाले को सोच सकती हूँ कि ये मेरे लिए कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मेरे अभियान में ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। तो उस हिसाब से मैंने सोनिया को इसीलिए चूज किया। क्या मैसेज देना चाहते हो आप लेडीज को, दिल्ली की, मुंबई की, ऑल इंडिया लेडीज को? आप क्या मैसेज? ऑल इंडिया लेडीज को यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे सोनिया को मैंने आज पुश किया, आज उसी तरह आप सब भी, अगर आपके पास कुछ पावर है और कोई लेडीज कुछ करना चाहती है तो उसको पुश करो, उसको वो एक प्लेटफॉर्म दो कि ताकि वो कर पाए। तो आज कोई भी है, जैसे हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो एक दूसरे का